पहले हमने बात की माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके बाद हमने बात की बैक्टीरिया क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया है, कितने टाइम के बैक्टीरिया है। अब हम बात करेंगे कि इन बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं और ये कैसे एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया की एक सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल का सिंथेसिस पेप्टाइडोग्लाइकिन, प्रोटीन और ग्लाइकोजन के कारण होता है। ये पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड की क्रॉस लिंकेज के कारण बनता है। इस क्रॉस लिंकेज के को बनाने में पीबीपी का हाथ होता है। अब आप इसको ऐसे सोचेंगे कि एक दीवार हमने बैक्टीरिया की बनाई, जिसमें हमने सरिये और ईंट का प्रयोग किया। सरिया हो गया पॉलीपेप्टाइड, ईंट हो गई पॉलीसेकेराइड। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें सीमेंट तो चाहिए ना बेटा, और इस सीमेंट को, इन दोनों को, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, उसको हम बोलते हैं पीबीपी। तो ये जो पीबीपी है, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पर हेल्प करता है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल तैयार कर देता है बैक्टीरिया की। पेनिसिलिन और सिफेलोस्फोरिंस जो है, फोर मेंबर्ड बीटा लैक्टिन रिंग है, ये पीबीपी एंजाइम पर एक्ट करते हैं और इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकन मैश खत्म हो जाता है। इस प्रकार बैक्टीरिया किल कर दिया जाता है। अब बात आती है कि पेनिसिलिन में कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं। ये हैं एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, पिप्रासिलिन। सिफिलोस्फोरिंस में सिफिक्सिम, सिफिरोक्साइम, सिफपोडोक्साइम, सेफिपाइम और सिफ्ट्रैक्सोन। ये तो हो गई बात सेल वॉल सिंथेसिस पे। अब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, जो बैक्टीरिया की वेयर एंड टीयर के लिए काम आता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, इनको हम बोलते हैं, लाइक जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमिकासिन, नेटलीमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइट्स और लिंकोसामाइड्स, क्लोरामफेनिकोल्स, लिनेजोलाइड्स, ये सब एंटीबायोटिक्स जो हैं, ये एक इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करते हैं। उसके बाद आता है डीएनए सिंथेसिस। कुछ एंटीबायोटिक डीएनए सिंथेसिस पे एक्ट को रोकते हैं। डीएनए के सिंथेसिस के लिए डीएनए गायरस नाम के केमिकल मीडिएटर की जरूरत होती है, और क्यूनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोन्स, ये इस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जो डीएनए गायरस पे एक्ट करते हैं और सेल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। अभी क्विनोलोन है कौन कौन से? सिप्रोफ्लोक्सासिन। फ्लोरोक्विनोलोन कौन कौन से है? वोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लोक्सासिन। अब ये समझिए कि बैक्टीरिया इतना स्मार्ट हो गया कि उसने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट डिफेंस अपने अंदर क्रिएट कर लिया है। अब हर बैक्टीरिया अपने अंदर एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है जो उस एंटीबायोटिक को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। वो कैसे? जैसे कि पेनिसिलिन में हमने पढ़ा कि पेनिसिलिन का जो बेंजीन रिंग है वो पीबीपी पर एक्ट करता है। अब उस बेंजीन रिंग को अगर डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो वो बैक्टीरिया पर एक्ट नहीं करेगा। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, बीटा लैक्टमेज नाम का एक केमिकल सिक्रीट किया, एक एंजाइम सिक्रीट किया जो बीटा लैक्टिन रिंग को तोड़ देता है। इस तरह से एंटीबायोटिक खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है कौन से? ये हैं एंटेरोकोकस। आप देखेंगे ये सब के सब बैक्टीरिया सब इन्फेक्शन में आते हैं। स्ट्रैप ओरियस, स्ट्रैप निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई और 450 तरह के डिफरेंट डिफरेंट बीटा लैक्टमेज स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये तो हो गए बीटा लैक्टमेज। इसके बाद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज भी आ गए, जिस तरह थर्ड जनरेशन सिफिलोस्फोरिंस लॉन्च हुए बीटा लैक्टमेज पे एक्ट करते थे। उसके बाद बैक्टीरिया इतना पावरफुल हो गया कि स्पेशली ई कोलाई, क्लेप्सियला निमोनी, क्लेप्सियला ऑक्सोटिया, ये सब के सब ESBLs हैं। इन्होंने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर दिए। तो ब्रदर, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन बीटा लैक्टमेज को कंट्रोल करना
बहुत ही जरूरी था। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे बड़ा थ्रेट आज पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हो चुकी है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए क्लेवेनिक एसिड और सल्बेक्टम ESBL इनहिबिटर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, जिन्होंने बीटा लैक्टमेज के ऊपर जो एक्ट करते हैं इनको इनहिबिट करते हैं। इस तरह से हम अगर क्लेवेनिक एसिड और सल्बेक्टम को कुछ सिफ्लोस्फोरिंस के साथ या पेनिसिलिन के साथ ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं।